तो वहीं हिमाचल के पहाड़ी राजपूतों ने जो खालिस्तानी समर्थक है उनको करारा जवाब दिया है। किसका है नाम बता? भिंडरावाले का झंडा भी ये फोटो लगा के देखिए ये लोग घूम रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक भिंडरावाला जिसने लाखों हिंदुओं को मरवाया था को मंडी में कुछ लोगों को पकड़वाया था। और ये देखिए खोल भाई इस झंडे को खोल। किसका झंडा ये? ये कह रहा है भिंडरावाले का झंडा। ये देखिए ये वही व्यक्ति है जो तीन 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 देशों से जिसको जो आतंकी घोषित हो चुका है। तो भाइयों अब खालिस्तानी समर्थकों द्वारा पहाड़ियों को गाली दी जा रही है, तो मैं इनको करारा जवाब देना चाहता हूं कि पहाड़ों जितनी खूबसूरत इलाका भी कहीं नहीं है और हम भी पहाड़ी राजपूत हैं। क्षत्रिय ऐसी कौम है जो सभी हिंदू हो या सिख हो या उनकी सभी की रक्षा करती आई है हजारों सालों से। भिंडरावाला को मारने वाले भी एक क्षत्रिय थे जो कि एक सिसोदिया राजपूत थे। तो भाइयों ऐसे आतंकवादियों का फोटो लगाकर आप राजपूत लैंड कहे जाने वाले हिमाचल में ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? हिमाचल जम्मू और उत्तराखंड के राजपूत अलर्ट रहे। तो भाइयों पंजाब पर भी क्षत्रियों का राज था। पंजाब का आखिरी PM हयात टिवाना था। मुस्लिम राजपूतों के 1947 के जाने के बाद पंजाब जिस पर राजपूतों ने राज किया वहाँ का माहौल खराब कर ऐसी गलत टिप्पणी कर रहे हैं। तो भाइयों पहाड़ियों पर गलत टिप्पणी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे आतंकवादियों का समर्थन करने वालों के खिलाफ है पूरा क्षत्रिय समाज जिन्होंने इस पूरे देश पर राज किया। राजा पृथ्वी चंद कटोच जिन्होंने जिनकी सेना ने हजार राजपूत लेकर 1 लाख की तुर्क सेना को हराया था वो खून हमारे अंदर भी है। हम 1 लाख बर्बारी हैं।